इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है रायपुर से, जहां कांग्रेस में इस बार नहीं बनाई जाएंगी स्क्रीनिंग कमेटियां। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन में फेरबदल किया जाएगा। AICC ने 20 फरवरी तक मांगे हैं 11 सीटों के उम्मीदवारों के नाम। 9 फरवरी को होगी चुनाव समन्वयक और अभियान समिति की बैठक। आपको बता दें कि बैठक में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी PL पुनिया और प्रभारी सचिव रहेंगे मौजूद। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे बता रहे हैं, जहां कांग्रेस में इस बार नहीं बनाई जाएगी स्क्रीनिंग कमेटियां। कहा यह भी जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया में फेरबदल किया जाएगा। 9 फरवरी को चुनाव समन्वयक और अभियान समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा। और इसके बाद अगर बात करें, AICC ने 20 फरवरी तक मांगे हैं 11 सीटों के उम्मीदवारों के नाम। बैठक में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी PL पुनिया और प्रभारी सचिव मौजूद रहने वाले हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया में फेरबदल नहीं किया जाएगा। और आपको सीधे लिए चलेंगे रायपुर, संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं चेतन तिवारी। चेतन, हर बार देखा गया है कि चुनावों से पहले स्क्रीनिंग कमेटियां बनाई जाती हैं, तमाम बैठकों का आयोजन किया जाता है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस बार स्क्रीनिंग कमेटी कांग्रेस नहीं बनाएगी। जी निश्चित रूप से, अगर कहीं हम चुनाव की बात करें सुनील, तो स्क्रीनिंग कमेटियां की जो रोल है वो एक अहम हुआ करता था, लेकिन इस बार जो है स्क्रीनिंग कमेटियां लोकसभा के चुनाव में नहीं बनाया जा रहा है। और यही कारण है कि इस बार AICC जो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माध्यम से सभी सीटों के जो नाम है वो निकल करके सामने आएंगे। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से स्क्रीनिंग कमेटियां हुआ करती थी, चाहे विधानसभा की चुनाव बात कर ले या फिर पिछले लोकसभा चुनाव की बात कर ले, तो स्क्रीनिंग कमेटियां में भी लॉबिंग का जो मामला निकल करके सामने आया करता था। स्क्रीनिंग कमेटियां के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो जो प्रत्याशी से बातचीत किया करते थे 1-to-1, जिसमें कई वक्त भी लगा करते थे। इसे स्क्रीन कमेटियां के अध्यक्ष जो हुआ करते थे वो ये प्रत्याशी से 1-to-1 बात करते थे, और उसमें उसे पूछताछ किया जाता था कि क्या कुछ आपके राजनीतिक सियासत रहे हैं, क्या कुछ आप करना चाहते हैं, और इनमें कई तरीके से बातें निकल करके सामने आया करते थे, जिनमें कहीं ना कहीं कह सकते हैं सुनील की लॉबिंग हुआ करते थे। और यही कारण है कि लोकसभा के चुनाव में स्क्रीनिंग कमेटियां को पूरी तरीके से अब खत्म कर दिया गया है, और AICC जो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो है अब चुनाव के जो लोकसभा के जो प्रत्याशी के होंगे उसके नामों के ऊपर मोहर लगाएंगे। AICC की कहीं हम बात करें तो इसमें जो है चुनाव के प्रदेश चुनाव के प्रभारी होंगे, इसके अलावा कहीं हम बात करें तो प्रदेश के चुनाव के सचिव होंगे, इसके अलावा हम कहीं बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष होंगे और महासचिव। ये जो चार जो नाम होंगे वो जो प्रदेश के कांग्रेस के जो प्रत्याशी होंगे उनके उनके नामों के ऊपर। लेकिन चेतन, अगर यहाँ पर बात की जाए, जिस तरह से देखा गया कि हर बार स्क्रीनिंग कमेटियां बनाई जाती हैं, लेकिन इस बार स्क्रीनिंग कमेटी नहीं बनाई जा रही है, समझना चाहूंगा आपके माध्यम से आखिर कांग्रेस की मंशा क्या है। क्या ये कहा जा सकता है प्रत्याशियों के चयन को लेकर जो फेरबदल किया गया है, इसका क्या भविष्य में फायदा मिल सकता है, या कांग्रेस ने किस मंशा के साथ इस फैसले को लागू किया? देखिए, कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जिस प्रकार से स्क्रीनिंग कमेटियां हुआ करते थे सुनील, उसमें एक लॉबिंग हुआ करता था, और कांग्रेस की मंशा यह स्पष्ट है कि अब लोकसभा के चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई लॉबिंग ना हो, किसी भी प्रकार के कोई खिस्तान ना हो, टिकट को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई विवाद ना हो। यही कारण है कि स्क्रीनिंग कमेटियां को खत्म कर दिया गया है। इसका लाभ क्या कुछ हो सकता है, इसके हमें आगामी लोकसभा के चुनाव में देखने को मिल सकती है। अगर कहीं विधानसभा के चुनाव की हम बात करें, इसमें तो हमें लाभ ही नजर आए हैं, क्योंकि 68 सीट कहीं आए हैं, तो कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग कमेटियां का भी एक योगदान रहा है। चूंकि स्क्रीनिंग कमेटियां के अध्यक्ष प्रत्याशी से 1-to-1 बात करते हैं, और 1-to-1 बात में यह बात निकल करके सामने आती है कि आखिर प्रत्याशी की मंशा क्या है, प्रत्याशी क्या चाहते हैं, प्रत्याशी की सियासत क्या रही है, प्रत्याशी की विरासत क्या रही है, प्रत्याशी क्या कुछ करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग कमेटियां की जो रोल थी विधानसभा के चुनाव में एक अहम थी, एक खास थी, लेकिन लोकसभा के चुनाव में स्क्रीनिंग कमेटियां को खत्म कर दिया गया है। मंशा यही है कांग्रेस पार्टी की, इस बार लॉबिंग ना हो, क्योंकि कहीं हम बात करें तो स्क्रीनिंग कमेटियां के माध्यम से लॉबिंग हुआ करते थे, इसमें टिकट को लेकर के कई तरीके से विवाद भी निकल करके सामने आया करते थे, लेकिन इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके इस बार स्क्रीनिंग कमेटियां को प्रदेश AICC ने भंग कर दिया है। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लोकसभा की टिकट के लिए अब जो नाम निकल करके सामने आएंगे वो सिर्फ चार नामों के माध्यम से निकल करके सामने आएंगे। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को अभी भी लॉबिंग का डर है,
और जिस तरह से आपने बताया कि लॉबिंग से बचने के लिए अब स्क्रीनिंग कमेटी का गठन नहीं किया जाएगा, तो क्या ये कहा जा सकता है जो अब हमारे सामने प्रत्याशी आने वाले हैं पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ उनका चुनाव किया जाएगा? जी निश्चित रूप से कयास यही लगाया जा रहा है सुनील कि एआईसीसी के माध्यम से जो प्रत्याशी के नाम सामने आएंगे उसमें किसी भी प्रकार के लॉबिंग नहीं होगा, लेकिन यह तब तक कहना संभव नहीं होगा जब तक प्रत्याशियों के नाम निकल करके सामने नहीं आएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एआईसीसी ने इस निर्णय को अस्वीकारा है तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एआईसीसी के जो माध्यम से प्रदेश प्रभारी, प्रदेश सचिव या प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से जो नामे निकल करके सामने आएंगे कहीं ना कहीं लॉबिंग तो हो सकता है। क्योंकि इस बात से हम अंदाजा लगाया जा सकते हैं कि स्क्रीनिंग कमेटियां जो हुआ करते थे जिनमें अध्यक्ष या सचिव उपाध्यक्ष हुआ करते थे उनके माध्यम से नाम सुझाया करते थे, लेकिन अब एआईसीसी जो है कहीं ना कहीं इसमें प्रमुखता के साथ में लोगों के जो नामे हैं प्रत्याशी उनसे फीडबैक लेकर के उनके नामों के ऊपर मोहर लगाएंगे। और यही कारण है कि 7 फरवरी को राहुल गांधी प्रदेश के उन सभी महासचिवों से, प्रदेश के उन प्रभारियों से बैठक लेने वाले हैं। अगर कहीं हम वहीं पर बात करें तो प्रदेश के जितने भी अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी 9 फरवरी को दिल्ली में बैठकें लेने वाली है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लॉबिंग से बचने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन नहीं किया जाएगा, और कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह से अब पारदर्शिता बरती जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के अंदर खाने की हम बात करें तो लॉबिंग की समस्या एक लंबे वक्त से चली आ रही है और इस समस्या को कांग्रेस दूर करना चाहेगी। इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर नजर डालेंगे जो रायपुर से हमारे पास आ रही है, जहां नेताओं पर चल रहे मुकदमे अब वापस लेंगे और मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन भी किया जाएगा। 4 सदस्यीय उपसमिति का गठन हुआ है। कहा यह जा रहा है कि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू उपसमिति के अध्यक्ष होंगे। वहीं मंत्रिपरिषद की उपसमिति में मंत्री डॉक्टर शिवधारिया रहेंगे। मंत्री अनिला भेड़िया के साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल भी सदस्य होंगे। चेतन, आपसे जानना चाहूंगा मैं, अब जिस तरह से बात ये निकलकर सामने आ रही है कि नेताओं पर जो मुकदमे चल रहे थे उन्हें वापस लिया जाएगा, कैसे देखते हैं आप? एक नई समिति का गठन यहां पर हुआ है, 4 सदस्यीय उपसमिति का, जिसमें कई बड़े नाम हैं। जी सुनील, बताना चाहूंगा कि कोई भी अगर सत्ता में आती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस पार्टी की बात करें, तो जो नेताओं के ऊपर जो राजनीतिक रूप से पंजीबद्ध तरीके से जो थाने में रिपोर्ट दर्ज होते हैं उनको हटाने के लिए ये मंत्रिमंडल उपसमिति की गठन किया गया है। और इसमें ताम्रध्वज साहू जो कि गृह व जेल के मंत्री हैं वर्तमान प्रदेश में, इनके अलावा कहीं हम बात करें उपसमिति में तो इनके अलावा जो है महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया है, खेल एवं उच्च तकनीकी मंत्री उमेश पटेल है, इनके अलावा नगरी प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव ढहरिया है। ये जो 4 नाम होंगे, ये जो जितने भी नेताओं के जो केस होंगे उनको खत्म करेंगे। इनके अलावा कहीं हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शपथ लेते ही कह दिए थे कि जिस प्रकार से नेताओं के ऊपर द्वेषपूर्ण तरीके से रिपोर्ट दर्ज किया गया है उनको भंग कर दिया जाएगा। इसमें अगर कहीं एक खास बात निकल करके यह भी सामने आ रहा है सुनील कि इसमें कांग्रेस पार्टी की ही नहीं बल्कि भाजपा के भी उन नेताओं के नाम को हटाया जाएगा जिनके राजनीतिक द्वेष के कारण से उनके ऊपर रिपोर्ट दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि प्रदेश सरकार की एक बड़ा फैसला है जिसमें भाजपा समेत कांग्रेस के भी उन सभी नेताओं के नाम वापस होंगे जो राजनीतिक कारणों से रिपोर्ट दर्ज कराए गए। लेकिन चेतन, जिस तरह से कहा जा रहा है राजनीतिक द्वेष के चलते प्रकरण दर्ज किए गए थे, भाजपा के साथ कांग्रेस के भी कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन क्या कोई पैमाना यहां पर निश्चित किया गया है कि कौन से प्रकरण है जिन्हें वापस लेना चाहिए, या ये कहा जा सकता है जितने प्रकरण है वो सभी प्रकरण वापस ले लिए जाएंगे? देखिए, सभी प्रकरण तो वापस नहीं लिए जाएंगे सुनील, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि कई ऐसे आंदोलन होते हैं विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस पार्टी ने कई ऐसे आंदोलन किए हैं, कहीं कहीं पर सड़क चक्का जाम किए हैं, इसके अलावा कहीं हम कह सकते हैं तो कई जगह धरना किए हैं, कई जगह प्रदर्शन किए हैं। इनमें मुख्य रूप से जो नेताओं के नाम निकल करके सामने आते हैं उनके ऊपर जो पंजीबद्ध तरीके से जो नाम दर्ज हुए हैं उन्हीं को ही वापस लिया जाएगा। अगर कोई नेता व्यक्तिगत रूप से कहीं कोई जमीन के बेजा कब्जे की मामले हो, यहां पर कहीं पर कोई हत्या का मामले हो, ऐसे केस वापस नहीं होंगे। तो कह सकते हैं कि राजनीति रूप से जो द्वेष के माध्यम से जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिनके नाम पंजीबद्ध तरीके से थानों में दर्ज किए गए हैं, उनके ही नाम वापस होंगे। इनके अलावा व्यक्तिगत रूप से किसी भी प्रकार के माध्यम से अगर कोई नेताओं के ऊपर कोई कहीं आरोप लगा है तो वो नाम वापस नहीं होंगे। जो राजनीतिक से संबंधित हो, जो राजनीतिक रूप से तार ये जुड़ रहे हैं, उनके नाम के ही नाम को ही हटाया जाएगा। इनके अलावा किसी भी प्रकार से कोई व्यक्तिगत नाम के ऊपर कोई रिपोर्ट दर्ज किया गया, कहा जा सकता है कुछ खास ऐसे प्रकरण है जो कि वापस लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर सारे प्रकरणों की हम बात करें तो यह मुनासिब नहीं रहता है कि सारे प्रकरण ही वापस ले लिए जाएंगे। लेकिन क्या अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने आया है कि आखिर यह प्रोसेस कब तक चलेगी?
देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐलान जरूर कर दिया है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई भी ऐसे आंकड़े निकल करके सामने नहीं आए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जब 17 दिसंबर को जब शपथ लिए थे तो स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी पार्टी की बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस पार्टी की बात करें, राजनीतिक द्वेष के माध्यम से जिनको जिनके ऊपर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है उनके नाम को रिपोर्ट से हटा दी जाएगी। तो अभी कहीं कहीं कह सकते हैं सुनील की कोई भी प्रकार से कोई आंकड़ा निकल करके सामने नहीं आए हैं। जितने भी नाम अभी तक आधिकारिक रूप से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जो नाम संभावित है, जो आंकड़े हैं, उन्हीं के माध्यम से जितने भी नाम होंगे उनके नाम वापस होंगे। तो कोई नाम आंकड़े निकल करके सामने नहीं आए सुनील जी। लेकिन चेतन अगर यहाँ पर बात करें प्रशासन की, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है एक सकारात्मक पहल है। हालांकि जब भी हमने देखा है सत्ता परिवर्तन होता है, ऐसा कोई ना कोई कदम सरकार के द्वारा जरूर उठाया जाता है जो कि अपने ही कार्यकर्ता और अपने ही नेताओं को उपकृत उससे किया जा सके। लेकिन इस दौरान एक बड़ा सवाल और एक बड़ी बात निकल कर ये भी सामने आई है कि कांग्रेस के साथ साथ भाजपा के भी कुछ नेता और कुछ कार्यकर्ता हैं जिनके ऊपर जो प्रकरण दर्ज किए गए थे वो वापस लिए जाएंगे। जी निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट कर दिया था कि अगर किसी भी माध्यम से किसी भी जगह पर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता हो या नेता हो, अगर कहीं पर चाहे वो कांग्रेस के साथ में भिड़ंत की बात करें या फिर चक्का जाम की बात करें, आंदोलन की बात करें, विरोध की बात कर ले, तो भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के ऊपर, उन कार्यकर्ताओं के ऊपर भी द्वेष क्लेश के माध्यम से अगर कहीं पर कोई रिपोर्ट दर्ज किया गया होगा तो उनका भी नाम हटा दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यह राज्य सरकार की एक अहम फैसला है और सकारात्मक पहल है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं राजनीति, चूंकि हम देखते हैं तो कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें कोई नेताओं के द्वेष नहीं होते हैं, राजनीतिक कारणों के माध्यम से उनके ऊपर रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है जो उनके व्यक्तिगत नहीं होते हैं। यही कारण है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से यह सकारात्मक पहल है और यही कारण है कि यह जो एक फैसला है वो अहम माना जा रहा है पूरे प्रदेश के अंदर में। सुनील जी चलिए जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद।